हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो आपां गल रहे सी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री दे विच आपां सोल्यूशन शुरू कीता चैप्टर, जिदां सॉलिड स्टेट खत्म हो चुका, उस तों बाद हुण असीं सोल्यूशन शुरू कीता अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हां। बिल्कुल कि सिलेबस दे विच सोल्यूशन च पहला सी टाइप ऑफ सोल्यूशन जो मैं करवा दिता, नैक्सट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कि आपां किसी सोल्यूशन दी कॉन्सेंट्रेशन नूं किदां एक्सप्रेस कर सकदे हां। ठीक है, बहुत ज्यादा ईजी आ, कोई डिफिकल्ट है नहीं, एच कुछ भी। ए मैं दो पार्ट करांगी इस वीडियो दे, ठीक है, जिदे विच चंगी तरह इस टॉपिक नूं आपां क्लियर करांगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन चीज की है। एक तो कॉन्सेंट्रेशन हुंदा ध्यान लगाना, ठीक है, एक्चुअली किसी चीज ते कॉन्सेंट्रेट करना। बट व्हाट इज द हेयर द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इन सोल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन दे विच किन्ना सोल्यूट ऐड कीता। समझाया सी ना पिछली वीडियो सोल्यूट की हुंदा, सोल्यूट की हुंदा आ, जिदा हुण कोई चीज सोल्यूशन बनाया जिहड़ी चीज तुसी घोलदे हो विच, दैट इज सोल्यूट, जिहड़ी घट क्वांटिटी दे विच जिहनूं आपां डिसॉल्व करदे आ, दैट इज सोल्यूट। हुण किसी सोल्यूशन दे अंदर सोल्यूट दी मात्रा किन्नी आ, वो 10% या 20% आ या किन्ने ग्राम हैगा। एक्चुअली किसी सोल्यूशन दे अंदर सोल्यूट किन्ना, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कि उस पूरे सोल्यूशन दे विच खंड किन्नी, मतलब खंड वाला पानी अंदर खंड किन्नी है, ज्यादा सोल्यूट किन्ना, ओदी मात्रा नूं आपां कहिंदे आ कॉन्सेंट्रेशन। हुण जिदा डिस्टेंस आ, डिस्टेंस नूं मापण लई अलग अलग यूनिट आ, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, मीटर, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन मापन लिए भी आप अलग अलग यूनिट यूज किए हैं। वो तुहाडे सिलेबस च मेंशन किया हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन मैं माप ली, फॉर एग्जाम्पल कि सोल्यूशन दे विच इन्नी खंड नूं कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली किदां मैं देखनी है, उत्थे तुसी भार नहीं देखना, एक्चुअली तुसी पूरे सोल्यूशन दे विच अमाउंट देखदे हो सोल्यूट दी। तां एक्सप्रेस करन दे अलग अलग तरीके, पहला हुंदा मास परसेंटेज, सिंपल मास नाल ओले की हुंदा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को दो कॉम्पोनेंट है ए प्लस बी तो मिलकर सोल्यूशन बनेगा। ठीक है जी, मैं देखना कि सोल्यूट किन्ना, मैं उपर वेट रख दूंगी सोल्यूट का, जन घोलिया नीचे दोनों का प्लस मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब असं पर 100 ग्राम सोल्यूशन चो कढ़ते हैं। ठीक है जी, सिंपल बाय वॉल्यूम भी कढ़ सकते हैं, जेदा जिदा फॉर एग्जाम्पल मैं ए मेरे को ले लो शुगर है, प्लस ए ले लो वॉटर है ना, एग्जाम्पल ली मैं ए से भी, मैं शुगर का वॉल्यूम उपर रखांगी, नीचे दोनों का प्लस इंटू 100, सिंपल जिदा आप परसेंटेज कढ़ते हैं, जिदी परसेंटेज कढ़नी है ओदी क्वांटिटी उपर नीचे दोनों का प्लस इंटू 100। ये तो सिंपल तरीका आप करते आ रहे हैं, ठीक है, छोटिया क्लासेस दे विच भी। नैक्सट इज द मास बाय वॉल्यूम, कई बार ना अभी डबल्यू बाय वी तक लिखा मिलेगा कि डबल्यू इज वेट, वी फॉर वॉल्यूम। हूं जो किसी का फॉर एग्जाम्पल पिछे लिखा हुआ, जिदा 10% एनएसीएल है ना, 10% लिखता है एनएसीएल डबल्यू वाई वी। हुण इहदा मतलब की आ, 10 जिहड़ा तुहाडा ग्राम वॉट एनएसीएल आ केहदे विच 100 ml सोल्यूशन दे विच। ए सिद्धा डायरेक्ट पुछिया जा सकदा पेपर दे विच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इहदा मतलब की जे 10% एनएसीएल लिखा मतलब इहदे 10 ग्राम किन्ने दे विच आ, 100 ml सोल्यूशन दे विच, मतलब की असीं वेट देखदे आ पूरे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे विच। समझ गए, वेट देखना पूरे वॉल्यूम दे विचों सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम एमएल च हो गया, वेट किन्ने च हो गया ग्राम दे विच। ठीक है जी, 10 ग्राम ऑफ एनएसीएल इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन लोअर यूनिट ले आपां। क्लियर, नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट जिहड़े ए एन एच न्यूमेरिकल देखण नूं आराम नाल मास्टर ग्रेडर तुहानूं मिल सकदा। ठीक है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इह ध्यान नाल समझो, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी एंड फॉर्मैलिटी। इस वीडियो जस्ट इन्हां दी इंट्रोडक्शन होएगी, इन्हां बारे होर जो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन तुहाडा रहने वाला नहीं, आपां सारा जो इंपॉर्टेंट है करवा देना तुहानूं, डोंट वरी। ठीक है, मोलैरिटी, मोलैरिटी का सब तो पहला तो साइन याद रखियो कैपिटल एम हुंदा, एंड मोलैलिटी का साइन हुंदा स्मॉल एम। क्लियर, अगेन दस दी हां, मोलैरिटी का साइन की हुंदा कैपिटल एम, मोलैलिटी का की हुंदा स्मॉल एम। फर्स्ट ये जिहड़ियां दो तां वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मोलैरिटी की हुंदी है, फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट आ, न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट आ। इथे जस्ट इंट्रोडक्शन, मोलैरिटी की आ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगेन किसी सोल्यूट दे किन्ने मोल हैगे आ पूरे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन च, लेट इमेजिन कर दिया आ मेरे कोई सोल्यूशन आ, ठीक है जी, दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है जी, ए पूरे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे विच जिहड़ा अंदर सोल्यूट बैठा है ओदे किन्ने मोल, ठीक है, ओदे मोल्स उपर
नीचे बोल रही हूँ। मोल्स कितना कटते हैं जिन्होंने नहीं पता वो मैं कटने सिखा दूंगी, यू डोंट वरी, सब हो जाएगा। अच्छा चेक की करने कितने मोल्स है, ठीक है जी। मोल्स ऑफ सोल्यूट देखने, सोल्यूट दे की देखने कितने मोल्स है पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है जी। जे लीटर दे विच आ ते सिंपल लीटर च रखोगे, जे मिली लीटर च रहना ते मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे, ठीक है। नॉर्मेलिटी, नाउ व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज अगेन असी नंबर ऑफ मोल्स देखने सोल्यूट ते बट नॉट फ्रॉम द कंप्लीट सोल्यूशन, असी के चो देखने आ वेट ऑफ सॉल्वेंट, सिंपली जेड़ा कल्ला सॉल्वेंट बचा होएगा ओदे वेट। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम, जे ग्राम चलोगे तो मल्टीप्लाई बाय कितना कर दियो 1000, क्लियर। बड़ा इजी है ये, ए दोनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेंट्रेशन चीज की है, मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देखने की देखने कि जेड़ा मैं सोल्यूट खोलिया ओदे किन्ने क मोल आ, जे मैं पूरे वॉल्यूम च देख दी मैं ना मोलैरिटी रख दिनी हाँ, जे मैं कल्ले सॉल्वेंट दे वेट चो देख दी मैं उन्हें कहनी मोलैरिटी, क्लियर। मतलब कि मैं नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट दे देखे ना, सोल्यूट ही खोलिया वा किसी सोल्यूशन च, हुण किन्ने ओदे मोल्स हैगे आ पूरे वॉल्यूम दे विचों, जे तां मैं एदा देख दी कॉन्सेंट्रेशन फिर मैं उस जो पिछे यूनिट लावांगी वो की लावांगी मोलैरिटी, ठीक है। जे मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट चो देख दी फिर मैं की लानी आ मोलैरिटी, क्लियर। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी, ए मैं कढ़ने सारे सिखा दें सोल्यूट किदा कढ़दे सारियां चीजा, ठीक है। तुसीं जस्ट इहदे च चीजां नूं समझना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो च आपां न्यूमेरिकल्स इहदे किदा सारियां चीजां कढ़दे देख लांगे। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, हुण आपां की देखना सोल्यूट दे मोल्स नहीं देखने, ग्राम इक्विवेलेंट किन्ने आ मतलब ग्राम्स च उहदे किन्ने इक्विवेलेंट हैगे आ उह देखना ही देखना इहदे चों वॉल्यूम, बाकी सारियां चीजां वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन च हुंदियां याद रखियो, सिर्फ मोलैरिटी हुंदी आपां सिर्फ वेट ऑफ सॉल्वेंट चों देखदे। इक मोलैरिटी ही इदां दी आ जिहड़ी आपां वेट ऑफ सॉल्वेंट चों देखदे, बाकी इहदियां जिन्नियां भी चीजां सारियां आपां वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चों ही कढ़दे आ, पूरे वॉल्यूम चों ही देखदे आ, ठीक है जी। एहदे विच ग्राम इक्विवेलेंट देखने, एहदे विच नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट देखने आ, मतलब सोल्यूट दे किन्ने नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, ठीक है जी। ए सारे मैं समझा देवांगी नेक्स्ट वीडियो दे विच, तुसी इत्थे जस्ट इंट्रोडक्शन देखो। ते एक एहदे लई यूज हुंदा आयनिक कंपाउंड लई, ए बहुत घट आपां यूज करदे आ फॉर द आयनिक, मोस्ट ऑफ द टर्म्स जिहड़ियां यूज हुंदियां दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, ए दो बहुत ज्यादा यूज होने वालियां, ए दो घट यूज होणगियां, बट असी नॉलेज सारे लाने क्योंकि कई बार की हुंदा पेपर च डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता, लाइक कोई डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा या पूछ लेगा ना दसो केड़ा फॉर्मूला है, क्लियर। सो इन्हां नूं असी इग्नोर नहीं करना, सोल्यूशन बहुत ईजी है, आपां ईजी वे दे नाल कर लेना। तुसी ए कि कॉन्सेंट्रेशन नूं एक्सप्रेस करन दा की तरीका है, ये मैं तुहानूं वो तरीके दसे है, ठीक है। नैक्सट वीडियो च आपां नूं होर इस चीज नूं एक्सप्लेन करके होर पढ़ांगे, न्यूमेरिकल्स करांगे, इन्हां नूं होर समझांगे। तद तक तुसी इस चीज नूं पहला चंगी तरह फॉर्मूले समझ लो, जिदा मैं समझाए आ लिख लो इन्हां नूं, ते एक बारी दिमाग च बिठा लो क्योंकि फिर न्यूमेरिकल्स करने ईजी हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं पेपर, सॉलिड स्टेट च भी न्यूमेरिकल देखो मैं तुहानूं दस्सिया सी आ जाते हैं, एचो भी आते हैं, साडे कोल कुछ की चैप्टर इदां ने जिन्हां चो न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ईजी होंगे, जस्ट फॉर्मूले समझ आने चाहिए, कॉन्सैप्ट समझ आज भी हो जाता। सो जो तुहानूं वीडियो पसंद आए लाइक एंड कमेंट जरूर करो, होर शेयर करो, चैनल सबसक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।